अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम वज़ा मलिक, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एंट्री मैन फॉर बोला गॉड इन ब्रिटेन। तो दाढ़ी भाई साहब, मैं भी थोड़ी तिब्रो ऑफिशियल से भाई साहब ज्यादा हंसी मजाक। अच्छा अच्छा, देखते हैं भाई, देखते भाई की वीडियो, देखते हैं वीडियो और अपना भी एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, जो बात मैं पिछले कई महीनों से लगातार कर रहा था कि ब्रिटेन में कुछ बड़ा होने वाला है, तो जनाब ब्रिटेन में नतीजे आने लगे हैं। भाई ब्रिटेन से खबर आ रही है कि ब्रिटेन से मौलानाओं और मौलवियों को निकाला जाने वाला है और इस लिस्ट इसकी करीब करीब तैयार हो चुकी है। और इस लिस्ट में पता है सबसे ऊपर नाम किस देश के मौलानाओं का है? तो अगर आपने गेस कर लिया है तो बिल्कुल सही गेस किया है, जी हां, पाकिस्तानी मौलानाओं का। उसके बाद अफगानिस्तान और इंडोनेशिया वाले हैं। ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है और इस पर तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इसका फैसला आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रिटेन इन मौलानाओं को क्यों बैन करना चाहता है, क्यों उसे उन्हें अपने देश से बाहर निकालना चाहता है, क्या वजह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने कानून में इंपॉर्टेंस देने वाला ब्रिटेन आज कुछ हार्ड स्टेप्स उठाने की बात कर रहा है। आखिर किस परेशानी में घिर रहा है ब्रिटेन जिससे बचने के लिए वो ऐसे कदम लेने की तैयारी कर रहा है, और क्यों उसके निशाने पर सबसे पहले पाकिस्तानी मौलाना मौलवी हजरात हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, इनफ इज इनफ, हेट प्रीचर्स विल बी बैंड फ्रॉम कमिंग टू द यूके इन फ्रेश क्रैकडाउन एमिड अलार्म एट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट। यानी अब बहुत हुआ, यूके में हाल ही में हुए क्रैकडाउन इस्लामिक खतरे की घंटी बजा रही है और इसी वजह से हेट प्रीचर्स यानी नफरत फैलाने वाले उपदेशकों को, जिन्हें हम मुल्ला या मौलवी कह सकते हैं, उन्हें ब्रिटेन में आने से रोका जाएगा। यूरोपियन ज्यूइश कांग्रेस ने लिखा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देश में बढ़ते एंटी सेमिटिज्म को देखते हुए नफरती भाषण देने वाले मजहबी उपदेशकों के देश में आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। और देखिए, यह बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना हो रही है। इन खबरों से दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। पहली ये कि ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरता का खतरा बढ़ता जा रहा है, और दूसरा ये कि इस खतरे के पीछे कट्टर और नफरती धार्मिक उपदेश देने वाले मुस्लिम जो प्रीचर्स हैं उनको जिम्मेदार माना जा रहा है और इसी वजह से उनकी एंट्री रोकने की तैयारी हो रही है। खबर की और डिटेल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आपको ब्रिटिश पीएम जो हैं ऋषि सुनक, उनकी वो स्टेटमेंट सुनवाता हूं जिसमें वो इस बैन की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सामने जो तस्वीर आएगी वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सुनिए। You cannot be part of our civic life if your agenda is to tear it down. We will redouble our support for the Prevent program to stop young minds being poisoned by extremism. We will demand that universities stop extremist activity on campus. We will also act to prevent people entering this country whose aim is to undermine its values. The Home Secretary has instructed that if those here on visas choose to spew hate or protest or seek to intimidate people, we will remove their right to be here. The time has now come for us all to stand together to combat the forces of division and beat this poison. Suna aapne ki British PM ne kya kaha? Unhone kaha ki hamare desh mein dayalu, sabhya aur sahishnu log hain aur hum ye bilkul manzoor nahi karenge कि बाहरी देशों से आकर हेट प्रीचर्स हमारे बीच बंटवारा करे और हमें अलग अलग बांट दे। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी गवर्नमेंट कट्टरवाद से मुकाबला करेगी और डेमोक्रेसी और ब्रिटेन के लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। ब्रिटिश पीएम ने साफ साफ कहा है कि ब्रिटेन में कट्टरता फैलाने के पीछे बाहर से आए ये नफरती प्रीचर्स हैं। इसमें एक और खास बात यह है कि वो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन हेट प्रीचर्स को की एंट्री रोकने की बात की तैयारी की है, उनमें से सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तानी है, फिर अफगानी है और फिर इंडोनेशिया वाले। अब ये खबर देख लीजिए। पाकिस्तान के जियो न्यूज की इस खबर को देखिए। इस खबर में साफ साफ लिखा है कि ब्रिटेन, पाकिस्तान और दूसरी एशियन कंट्रीज से आने वाले
हेट प्रीचर्स की एंट्री पर बैन लगाने जा रहा है। ऐसी ही खबर पाकिस्तान के दूसरे अखबारों में भी छपी है और यही खबर पाकिस्तान में भी खलबली मचा रही है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूं कि कैसे पाकिस्तान ही नहीं और भी कई मुस्लिम देशों से ब्रिटेन और यूरोप के देशों में जाकर ये इस्लामिक जो प्रीचर्स हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो करते क्या हैं, इमाम हैं, और क्यों इन पर ब्रिटेन ही नहीं और भी कई देशों में पाबंदियां या तो लगाई जाने वाली हैं या लगाई जा चुकी हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर अंजेम चौधरी की है। अंजेम एक पाकिस्तानी ब्रिटिश प्रीचर है। ब्रिटेन में रहकर ये ब्रिटेन को तोड़ने, उसे रेडिकलाइज करने और वहां शरिया लॉ लगाने की साजिश कर रहा है। अब अंजेम का एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो थोड़ा पुराना है, इसे ब्रिटिश जर्नलिस्ट डेविड अथर्टन ने अपने एक्स अकाउंट, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर पोस्ट किया है। सुन रहे हैं ना कि ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग ब्रिटेन में शरिया लॉ लगाने की मांग कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कोई ब्रिटिश, अमेरिकन या जर्मन जाए और उसे क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मांग करने लगे, तो क्या होगा? होना क्या है जनाब, सिर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी मूल का अंजेम ब्रिटेन में जाकर, ब्रिटेन में रहकर, ब्रिटेन की खाकर ब्रिटेन को ही इस्लामिक कंट्री बनाने का मूवमेंट चला रहा है। अंजेम अल मुहाजिरों नाम के रेडिकल ग्रुप का लीडर था। इस्लाम फॉर यूके और अल गुराबा जैसे कई कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। आतंकवादी संगठनों से लिंक प्रूव होने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। आपको 2017 में लंदन ब्रिज टेरर अटैक शायद याद हो। इस हमले में 7 लोगों की जान गई थी और कई घायल हो गए थे। आईएस ने इस हमले को अंजाम देने का क्लेम किया था। इस हमले से भी अंजेम के लिंक जुड़े थे। अब इस तस्वीर को देखिए, यह है अबू हमजा अल मसरी। मिस्री मूल का हमजा ब्रिटिश सिटीजन है और ये एक रेडिकल इस्लामिक प्रीचर है, लेकिन इस्लाम का मैसेज देने के बजाय ये भी आतंकवाद और कट्टरता का जहर बो रहा था। टारगेट वही, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को इस्लामिक बना देना। 2004 में हमजा पर अमेरिका ने आतंकवाद का आरोप लगाया और ब्रिटेन से एक्सट्रेडिशन की मांग की। उस पर टेररिज्म के 11 केसेस थे। 2006 में ब्रिटेन की कोर्ट ने हिंसा फैलाने के जुर्म में हमजा को 7 साल की कैद की सजा दी। 2012 में हमजा का एक्सट्रेडिशन किया गया। 2014 में उसे सभी मामलों में दोषी करार दिया गया और 2015 में लाइन इन प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। एक और जेंटलमैन रिलीजियस पर्सन से मिलिए, ये हैं अबू हलीमा। अबू हलीमा पाकिस्तानी मूल का एक रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर है। वो अपने वीडियोस से एक्सट्रीमिज्म और मजहबी कट्टरता फैलाता था। उसने अपने वीडियोस में 9/11 के हमले को सही ठहराया था। उसने बेगुनाह लोगों की मौत को सही बताया था क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। ब्रिटेन ने उसके यूट्यूब वीडियोस को बैन कर दिया था। आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के जुर्म में उसे 2.5 साल जेल की सजा हुई थी। वो जेल से भी अपने लिए फंड जुटा रहा था। अब आपको टॉप टीवी की रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन की उन मस्जिदों के बारे में बताया गया था जहां खुलकर नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। Talk TV investigation today reveals footage of preachers in several mosques calling for Jews to be killed and Israel to be destroyed. लंदन की मस्जिद में यहूदियों के खात्मे की दुआ मांगी जा रही थी। लिवरपूल की मस्जिद में इसराइल के अंत की बात की जा रही थी। इसी तरह बर्मिंगम और नॉर्थहैम्पटन की मस्जिदों में यहूदियों के नरसंहार की बात कही जा रही थी। Oh Allah, curse the Jews and the children of Israel. इसे क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया भर में, जी हाँ, दुनिया भर में जो भी रिलीजियस प्रीस्ट या प्रीचर होते हैं, वो टेरर एक्टिविटीज में पकड़ाते हैं, उनमें से 99% मुस्लिम ही होते हैं। क्यों ये उसी थाली में छेद करने लग जाते हैं जिसमें खाते हैं? आपको मैंने ब्रिटेन के कुछ कट्टर मौलवियों के बारे में बताया जो नफरत और टेरर फैलाने में लगे हुए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए अब मैं आपको ब्रिटेन से बाहर थोड़ा लेकर चलता हूं। ये है महजौब महजौबी, ये भी इस्लामिक प्रीस्ट है। ट्यूनिशिया के रहने वाले महजौब 1980 में फ्रांस आए और तब से यहीं रह गए। 1980 यानी 40 साल से भी ज्यादा हो गए। 5 बच्चे हैं, 5ों के पास फ्रेंच नागरिकता है, जबकि महजौब को फ्रांस में रहने का परमिट मिला हुआ था। वो एक मस्जिद के इमाम थे। इतने सालों से महजौब फ्रांस का नमक खा रहे थे, परिवार पाल रहे थे, लेकिन कट्टरता इतनी कि नमक हरामी से बाज नहीं आए। हेट स्पीच तो पहले भी दिया करते थे, यहूदियों को लेकर उनके बयान बहुत ही खराब और खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में फ्रांस के झंडे पर ऐसा कमेंट किया कि बवाल मच गया। महजौब ने फ्रांसीसी झंडे को शैतानी करार दे दिया। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही फ्रांस की मैक्रों गवर्नमेंट एक्शन में आ गई और 12 घंटे के अंदर महजौब को लात मारकर ट्यूनिशिया भेज दिया। इससे पहले 2020 में भी फ्रांस ने अल्जीरिया, मोरक्को और तुर्की के इमामों के फ्रांस की मस्जिदों में इमाम बनाए जाने पर रोक लगा दी थी।
फ्रांस का यह कदम भी अपने देश में बढ़ते एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने की कोशिश थी। जर्मनी ने भी तुर्की में ट्रेंड इमाम को अपने देश में एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसकी भी वजह वही है जो ब्रिटेन और फ्रांस की है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन देशों के जो मूल निवासी हैं, यानी जो ओरिजिनल सिटीजन्स हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, अब वो माइनॉरिटी में बदलते जा रहे हैं, वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और मुस्लिमी हुई आबादी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ब्रिटेन में बढ़ते इस इस्लामिक कट्टरपंथ के बढ़ने की जो वजह है ना, वहाँ की जेलों में जो मुस्लिमों की संख्या है, उन संख्या को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी तेजी से ये कट्टरता बढ़ती जा रही है। वहाँ पर जेलों में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है लगातार। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, वहां यूके प्रिजन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट सबमिट हुई थी। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन की जेलों और वहां के कैदियों की पूरी डिटेल थी। ये रिपोर्ट बता रही है कि ब्रिटेन की जेल में विदेशी कैदियों की लिस्ट में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के 306 कैदी ब्रिटेन की जेलों में बंद हैं। अब ये दूसरा डेटा भी देख लीजिए। ये डेटा बता रहा है कि ब्रिटेन की जेल में 15,271 मुस्लिम कैदी हैं। ये टोटल कैदियों का 18% है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि साल 2022 तक मुस्लिम कैदियों का प्रोपोर्शन 8% था, जो 2022 तक 18% हो गया है। अब जब जहन में इतनी कट्टरता, दूसरों के लिए इतनी नफरत भरी रहेगी, तो इंसान क्या करेगा? वो तो हैवान बन ही जाएगा ना, क्राइम करेगा, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाएगा, खून खराबा करेगा। तभी तो ब्रिटेन की जेलों में मुस्लिमों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। खैर, हम तो बात कर रहे थे कि जो नफरती भाषण देने वाले हैं, जिनके ब्रिटेन में अब नो एंट्री होने वाली है। और दोस्तों, आप देखिएगा, अभी ये एक दो देशों में शुरू हुआ है, आने वाले कुछ सालों में ये पूरे यूरोप में दिखाई देगा और दूसरे देशों में भी दिखाई देगा। मौलानाओं और मौलवियों को ये देश अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर नफरती भाषण देने वाले मौलानाओं पर नकेल कसी जाएगी, उन्हें जेलों में बंद किया जाएगा। दोस्तों, पोलैंड ने तो सबसे पहले शुरुआत कर दी थी, उसने मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए अपने दरवाजे सील कर लिए थे और इसका रिजल्ट भी पोलैंड में नजर आता है। वहां के सिचुएशन ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन जैसे देशों की सिचुएशन में फ्रांस, इनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। वहां कोई आतंकी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। और आज नहीं तो कल यूरोप के दूसरे देशों को भी ये करना ही पड़ेगा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अब भले पाकिस्तान को मिर्ची लगे या इंडोनेशिया को, ब्रिटेन को बचाने के लिए सुनक ने तो स्टेप उठा लिए हैं और आगे भी आने वाले देश ये धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे प्रार्थना है कि आप देखते हैं और वीडियो चले जाते हैं, भाई सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ेगा। फ्री है बिल्कुल, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते और आपको नई नई जानकारियां मिलती हैं। जो भी जियोपॉलिटिकल, डिफेंस और इस तरह की खबरें लेकर मैं आता हूं, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, फ्री में बढ़ाइए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, फ्री में बढ़ाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। के मुताबिक पाकिस्तान के 306 कैदी ब्रिटेन की जेलों में बंद हैं। अभी तो क्रिश्चियन 38,184 ने, मुस्लिम 15,273, लेकिन हैंड तो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर थल्ले 1700 की 800 तो नंबर नंबरिंग वाला क्यों देती है? ओ ना वही देती हुई है थल्ले बैठो 8500 वाला। हेलो, दिन तो देती है, क्यों हिंदू क्यों है? ओ 2200 भी है तो है, क्यों दिन को देती है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सिख भी नहीं, 550 सिख भी है। तो क्यों आए? सिर्फ मुस्लिम रखना है ना, हिंदू सिख ना है।
अच्छा किया उन्होंने भाई साहब। ये जो हमारे इस्लाम को बदनाम करते हैं ना, ये जो दहशत गर्दी करते हैं, इन मुल्लाओं को तो पकड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा ये अच्छा किया, क्यों यूट्यूब भाई, इस्लाम को बदनाम करने वाले यही लोग हैं ना। एक तो कंट्री आप लोगों को ऊपर से बोलते हैं वो तो इस्लाम को चला रहे हैं। कौन कहता है ये? कौन कहता है ना? ये हमारे उलमा, ये हमारे जो बड़े, ये अपने अपने फिरकों को चला रहे हैं, अपनी अपनी दुकानदारियां बढ़ा रहे हैं। इस्लाम को कोई नहीं चला रहा है। किसने कहा तुझे कि ये इस्लाम को चला रहा है? शायद कुछ लोगों का ज़हन है भाई। ना ना ना, ये इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फैलाने की नहीं, ये तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े जो तोंदो वाले, ये इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर 90% लोगों का यही कंसेप्ट है। हेट स्पीच जो है ना भाई, ये गलत चीज है, चाहे मस्जिद में हो या किसी, हमारे यहाँ भी होती है। अपने रिलीजन प्रैक्टिस करें, कोई कोई नहीं। हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर भाई साहब बरसगीर को, कश्मीरियों को, इनको लेकर भाई साहब होती है दुआएं, हर जुमा के दिन होती है। उनको अल्लाह ताला निस्त व नबूद कर दे, वो जुल्म कर रहे, ये कर रहे। तो मामा, अल्लाह ताला ने आपको भी पावर दी है, रोक लो। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो, चलो दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो वो अल्लाह के बंदे नहीं है, दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं? वो अल्लाह के बंदे नहीं है। तू बोल रहा है हमारे मजहब में दुआ मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल। दुआ मांगने की बात की ना, दुआ मांगने शुरू कर दे, आप तीनों मर जाए भाई साहब। मांगनी है, आप लोग जुल्म भी कर रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, वो आपको नहीं दिख रहा। वो भाई साहब वो अल्लाह के बंदे नहीं है। अल्लाह से हम उन लोगों के मारने की दुआ कर रहे हैं। दुआ मांगना भाई जैद और यार है, सारी बातें छोड़ दे, सारी बातें। पाकिस्तान में एक दूसरे को भाई साहब नहीं मार रहे, एक दूसरे का हक नहीं खा रहे, जुल्म नहीं है। ये जुल्म नहीं है, मुझे ये बता दे। तो फिर अपने बंदों के बारे में भाई साहब करे इस तरह जालिम हुक्मरान है, तो इस जालिम लोगों से अल्लाह ताला हमें निजात दे दे। मैंने भी इस तरह की दुआएं भी, पता मुझे भी चले कि आप पक्के मुसलमान हो या आप अल्लाह ताला को मानने वाले हो। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ऐसी दुआएं भी होती हैं, आर्मी के खिलाफ भी होती हैं। किधर? पाकिस्तान की मस्जिदों में। इस तरह की नहीं होती, अल्लाह ताला उसको निस्त और नबूद कर दे। नहीं होती, जालिम हुक्मरानों के मुतल्लिक भी होती है। नहीं होती। अब तू मस्जिद जाता नहीं, हमारा कसूर है यार। तुम लोग मस्जिद के अंदर जाता नहीं, हमारा कसूर है भाई। अपने पाकिस्तान के जितने जालिम उनके खिलाफ लोग दुआ मांगते हैं, मैं नहीं मांगता। तो फिर तू किस जमरे में आया? तू किस जमरे में आया? मैं तो यही मांगता हूँ कि अल्लाह ताला सभी को रिज़्क़ हलाल कमाने की। अच्छा, सभी को। अब जो क्रिमिनल है, ये जो मारना है ना, ये मुझे बता, तू उसको भाई साहब बोल रहा है ना, वो क्रिमिनल है, वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। पता नहीं वो अल्लाह ताला को कितने प्यारे होंगे, कितने प्यारे ऐसे बोल जो उसके, जो उनके, जो उनके मासूम लोगों को, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को, मासूम मखलूक भाई साहब वो हत्ते लोगों को बगैर मिला किसी वजह के कत्ल कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे दिल से दुआ निकलेगी भाई साहब। आपके कंट्री के अंदर ही मासूम बच्चों लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनसे तो हम इनके लिए भी बस दुआ कर रहे हैं। वो आपको नहीं दिख रहा? जब लफ्ज़ की दुआ कर रहा ना, जब लफ्ज़ जालिम आ जाता है ना, तो जालिम जितने भी दुनिया में वो सभी उसमें काउंट हो जाते हैं। स्पेशल स्पेशल भाई साहब, फलस्तीनियों को, इजराइल को और इंडिया को, तो कश्मीरी लोगों को, सारी बातें छोड़ दे, सिर्फ इन दो का ज्यादा, इन मुल्ला मुल्लाओं को छोड़ दे। इजराइल ठीक कर रहा है, इजराइल ठीक कर रहा है, तो हमास वाले ठीक कर रहे हैं, हमास पाकिस्तान वाले ठीक कर रहे हैं, इंडोनेशिया वाले ठीक कर रहे हैं, अभी तक हमास बची हुई है, और भी कंट्री है, अभी तक हमास बची हुई है। बातें करते हैं सिर्फ ना सिर्फ दो चीजों पे, ये बातचीत, ये जो यूरोप में चल रहा है ना, वो तो हमने कहा यार, उससे ऊपर वाले से दुआ करे अल्लाह ताला उनको हदायत दे। इस तरह ना हो, डायरेक्ट यही तो नहीं, उसको बर्बाद अल्लाह के थ्रू। क्या यार सोचेगी ना, इस तरह होता तो नहीं है, लेकिन नहीं, तो ऊपर वाला ये है कि यार हमें कर सकते नहीं, ऊपर वाला बंदों का मोहताज है, ऊपर वाला बंदों का मोहताज नहीं है, ऊपर वाला उसने अपने बंदों के मोहताज है, उसके मोहताज है, अपनी मर्जी से। अगर अल्लाह ताला ने उनको
पावर दी है तो भाई साहब आप मुसलमान कितने दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, यहूदी तो भाई साहब चांद एक है, उन्होंने आपके नाक के अंदर नथनी डाल रखी है, आप ऊपर अल्लाह वाले के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनसे उनको ये जो चांद के आप पावर ये चांद के जो गद्दार लीडर है ना उन्हीं जालिम लीडर की वजह से ही हो रहा है, हमें पता है, हमें पता है मिल जाए खुद अपने नाक से भाई साहब दुनिया बना रहे किसी के साथ इकट्ठे तो होने नहीं देते, यही तो प्रॉब्लम है भैया साहब। मुसलमान क्यों किया गया, मुसलमान है बिकने वाले को भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी क्यों दी गई, इमरान खान को जेल में क्यों डाला गया, कोई घटना होने ही नहीं देते, ये बेचारे क्या करें। तो भाई साहब घटना होने की आपके मुसलमान ही है ना, वो कौन से योगी है, गद्दार है, गद्दार है, मैं कह रहा हूँ गद्दार है, गद्दार है। और रही बात ये जो आलोक भाई दिखा रहे थे रिकॉर्ड उनका, उसमें भाई हिंदू भी शामिल है, क्रिश्चियन टॉपर थे जेलों में, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, सारी दुनिया की कम्युनिटी के ऐसा कोई नहीं सिर्फ मुस्लिम है और हिंदू क्यों है ये मुस्लिम है। बात सुन बात सुन, नहीं सवाल कर रहे हैं जवाब कर रहे हैं, जवाब तू दे रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम है ये नेटे के अंदर अलोक शाह ने दिखाया है वो क्यों, चलो मुस्लिम तो चलो दहशत गर्दी फैलाते फिर का वाहिद फैला रहे वो क्रिस्ट और हिंदू से क्यों, तू जवाब दो बोल क्या देता है। पाकिस्तान की मस्जिदों में ज्यादातर मुस्लिम ही मिलेंगे ना, जब है मुसलमान के लिए भाई साहब उधर क्रिश्चियन ज्यादा है उनके और आरोप भी उन्होंने और भी कांड की जिस वजह से वो जोला के अंदर ज्यादा हो गए। अब सुन ले ये बात है, अब बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, एक मिनट। अच्छा नीचे कौन से आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं दूसरे नंबर पर, मुस्लिम दूसरे नंबर, दूसरे नंबर तो मुसलमान भी पूरी दुनिया से उधर गए हुए हैं, चंद एक मुस्लिम हो गए जिन्हें बाकी दूसरे कंट्रियों के जो है ना वो मुस्लिम है, इधर से जाकर उधर कांड कर रहे हैं किसी वजह से जेलों के अंदर। सऊदी अरब ने तो नई नेशनलिटी दे रखी, उनका कंट्री नहीं चल रहा है, नॉन नेशनल करें इनको इतनी चिंता है तो नॉन नेशनल जो रिक्वेस्ट है वो, अगर वो नाना दे, अगर वो नाना देता हम लोगों ने इधर ही मर जाना है, हमें मर गए इधर ही मर जाना, वो इंसानियत है, वो उधर इंसानियत है, दोगलापन दिखा रहे हैं, अगर इंसानियत है तो फिर उनको ये बता, ये तो दो तीन बड़ी बड़ी अब मुसलमानों की बात बढ़ रही है, ये चुभन हो रही है, उस पर बहर लग रहा है, ये चुभन हो रही है, या लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम तेज से दुनिया में फैल रहा है, इसकी चुभन हो रही है, दो तो ये दो मुद्दे हैं। धर्म को लेकर भाई साहब तीन चार जगह बड़ी बड़ी हो चुकी, करोड़ों की संख्या हो चुकी, अब फिर उधर जाकर वही आप लोग काम करना शुरू करते हैं, आप लोगों के ऊपर उन्होंने एहसान किया है, आप इधर भूख मरी, कोई एहसान नहीं किया आपके अरबे मां, कोई एहसान नहीं किया, अरब लोग हैं उन्होंने आपको नशनाती नहीं दी, बात कर लेने दे, इतना जलील दुनिया में ये इंग्लैंड वाले दुनिया में इतना जलील कोई कौम नहीं है, पूरी दुनिया को इन्होंने गुलाम बना रखा और उनके गुलामों में से हम भी थे, आज वो मॉडर्न बनते हम पर एहसान कर रहे हैं, हरामजादे हमारा हमारा लूटा हुआ रिस्क जो यहाँ से गया था वो आज तक उधर क्या लेने जा रहे हो, क्यों उधर जाते हो, उनको बुला लो अपने वो इधर लेने आए थे, वो हमारे कंट्री में ठेंगा लेने आए थे, तो तू उधर क्या लेने आए थे, उन्होंने क्यों आए थे, पहले नहीं आए थे, हम भी लुटने गए, प्रोटेक्शन करते उधर करते हैं ना एहतजाज वगैरह उनको भी डबो दे, और जो मौलवी हजरात है ना चाहे वो इधर भी है उनको भी डबो देना जिन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो भाई मैं भी एग्री करता हूँ, मौसम सही बात कर रहा है शुरू में मैंने क्या कहा। अच्छा भाई एक और भी चीज है ना, 2022 का डाटा ये बताता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा जो ग्रो हो रहा है ना वो रिलीजन वो इस्लाम है। अच्छा अब जो ये जो यूरोप कर रहा है ना अभी इनको सिर्फ इतनी चुन रहा है कि भाई साहब अब जो इजराइल कर रहा है ना फलस्तीन में ये बेचारे उधर प्रोटेस्ट करते हैं और वो उस वजह से इनको ना चुभ रहा है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं है, यकीन माने
और कोई बात नहीं। इस्लाम ग्रो क्यों कर रहा है, इनके इल्जाम का बिल्कुल कुछ नहीं। ये जो 38,000 जो थे क्रिश्चियन वो दहशत गर्द थे जेलों में, वो कहता है और मामला होंगे, 15,000 क्रिश्चियन स्टेट है कंट्री, उसके अंदर ज्यादातर लोग उन्हीं के ही होंगे, बाहर में मुसलमानों के मुसलमान फिर भी इतने ज्यादा लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कांड छोटा मोटा केस है कभी फलस्तीन के बाहर लंदन में नहीं उठी, एक सवाल कभी भी नहीं उठी या किसी ने कभी रोका। दूसरी बात नवाज शरीफ के घर के बाहर आज भी हजारों की तादाद में इत्तेजाज होता, कभी लंदन पुलिस ने उनको रोका है? और ये रोका है, कितने रोका है, खालिस्तान कभी रोका है? मुसलमानों को रोका जा रहा है, उसको रोके नवाज आपने बोला ना, नवाज शरीफ के घर के बाहर भाई साहब ये तजाद, वो मुसलमान ही है ना, खसूस पर खसूस पाकिस्तान का उनको भाई साहब बोला ना, ये फलस्तीन का चूरन लोगों ने तेरे वाले कंट्री ने अमेरिका ने बोल दिया, नहीं उन्हें दिया भाई साहब, उनके कहने पर चले जाओ आप, उन्हें उनका खाना है इंडिया के फ्लैग को जब उतार कर उन्होंने पांव तले रोंदा, तब इंग्लैंड की हुकूमत कहाँ थी? उधर ही हुकूमत कहाँ थी? क्यों नहीं बोले? वो खालिस्तानी जो कर रहे थे उनको क्यों नहीं बोले? उनको दहशतगर्द निकले क्यों नहीं किया गया? उस वक्त तो दहशतगर्द नहीं थे भाई साहब, अगर इतना इंतजाम है प्रोटेस्ट करने वालों के लिए इतना ही, सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं बात है नहीं। आप भाई साहब तब उन खालिस्तानियों को पता क्या कहा गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंग्लैंड में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो जिस जगह की बात करते हैं, अमेरिका के बाहर है ये आपको नहीं दिख रहा, उधर आपको दिख क्या है? ये पैसा आप पर वो दलील कर रहे हैं, ये कहता है ब्रिटिश ने हमें खाने के लिए दिया है, उधर उधर सब कुछ दिया है, जो आपको पाकिस्तानी लूटरों ने नहीं ना दिया वो आपको उधर कुछ सब फ्री में मिलता है, मेरे काम करने नहीं मिलता कोई भी, तो इधर कर लेते हैं, इधर नहीं था इस वजह से अच्छी सहूलतों के लिए अच्छी अच्छी एजेंसी के लिए उधर गए। अच्छा भाई चुप कर, ये उनके बड़े बड़े जिगरे ने जिस तरह जिन्होंने आप तरह के लोगों को रखा, अनपढ़ जेलों को रखा हुआ है, काम दिया हुआ है आप पढ़े लिखे को नहीं दिया था, पूरी ब्रिटिश तक तक पहुंचना ब्रिटिश के, तो नाउ तो नाउ करने क्या कर रहे, वो एशिया का लूट के वो बोले हमारा लूट का होगा दाई है कि मैं अच्छा भाई मौदम तो भाई मां ज्ञानी है भाई, इसको ये नहीं पता भाई साहब कि ब्रिटिश जब इधर आए थे जमीने हमारी अपनी हम करें, सारा मेहनत हम करें, लगान हम दे, सारी गंदम इधर से ले जाए, सोना चांदी ले जाए, औरतें हमारी ले जाए, वो इनका दिल खुला हो गया बने बाबा गुलाम बनाया गया, गुलाम छोड़
अत्याचार करना ये भाई साहब गुलामी होती है। ये गुलाम के ऊपर इस तरह किया जाता है। वो इधर आए हमें जबरदस्ती गुलाम बनाया गया, हम इधर से उधर गए, हमने हमें बोला हमें मतलब उधर जबरदस्ती, उन्होंने नहीं बोला भी आ जाओ, हम इधर से जबरदस्ती उधर गए कि भाई साहब हम आपके गुलाम भी रहना चाहते अच्छा, गुलाम हम भी खुद ठीक है। ये अच्छी बात है, दूसरे धर्मों में हमारे अंदर भी है तो क्या होगा इस्लाम को।
बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, झटका लगता है भाई साहब। दूसरे कंट्री ज्यादा कस करते हैं तो भाई साहब खुद देखे हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है। कामी हो या ना हो अब दुनिया के प्रोपोगंडे से बिना लड़े खिलाफ होगा, खड़े जो मर्दी कर रही है। ठीक है, मिलते रहे साहब, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।